जो क्लासेस है हमारा उसमें है लुकअप मेथड। बेसिकली वी लुकअप वगैरह तो मोस्टली लोग जानते हैं, कभी कभी यूज भी करते हैं, लेकिन मैं बात कर हेलो रहा हूँ लुकअप मेथड। हम आपके जी जी साथ सॉरी जी कोई बात नहीं सर, तो हम डिस्कस एक बात कर आपसे। सर, एक मिनट, टॉपिक स्टार्ट हो गई है, पूछ लीजिएगा थोड़ा देर। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कौन सा टॉपिक है, कम से कम ये तो बता दीजिए, मैं कौन सा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। टॉपिक है हमारा वो है लुकअप मेथड। हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लुकअप मेथड। देखिए ये आज ही लुकअप स्टार्ट कर रहे हैं या पहले हो चुका स्टार्ट है? अभी ही स्टार्ट कर रहा हूं। लुकअप मेथड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डेटा को किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में कैसे आप लुकअप करोगे और उसकी रिलेटेड डिटेल्स को कैसे अपनाओगे। जैसे एग्जांपल कि बैंक में जाते हो, अकाउंट नंबर, बैंक आपका जो भी बैंकर्स है अकाउंट नंबर डालता है, एंटर मारता है, बैंक की पूरी डिटेल्स आ जाती है, आपकी जो भी डिटेल्स है कस्टमर डिटेल्स आ जाती है। तो किसी यूनिक नंबर के अकॉर्डिंग कैसे लुकअप किया जाए, इसी लुकअप मेथड, यही हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी बेसिक चीजों के बारे में, जो कि है वी लुकअप। इसको हम फुल फॉर्म में वर्टिकल लुकअप कहते हैं। तो मेरे पास कुछ इम्प्लॉय कोड्स हैं जो कि C1 में हमारे एम्प्लॉय का डेटाबेस है। मुझे एम्प्लॉय कोड के बिहाफ पे एम्प्लॉय का पूरा डेटा चाहिए जो कि C2 पे है हमारा। तो इसमें हम लगाएंगे वी लुकअप इक्वल वी लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, अपनी टेबल को सिलेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा लुकअप जो वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट चलता है। मतलब आपने सर्च किसको करना है, A3 में क्या था, एम्प्लॉय कोड। तो मैं एम्प्लॉय कोड से ही सिलेक्शन स्टार्ट करके आगे की तरफ जाऊंगा, कॉमा, क्योंकि वो हमने जो 5 या 25 या 15 जो भी हमने A3 में जो हमने एम्प्लॉय कोड मैंने की सर्च कर रहे हैं उसको वी लुकअप एक कॉलम ए में सर्च करें। अब जैसे मान लो कि कॉलम ए में सर्च किया और उसको जो है इतने सारे ए से लेके आई तक का रिजल्ट मिला, लेकिन स्पेशल रूल कहती है कि एक सेल की लिंकिंग किसी भी फॉर्मूले की मदद से एक सेल को ही किया जा सकता है। मतलब कि हम इम्प्लॉय कोड से परफॉर्मेंस स्कोर के बीच में कुछ एक सेल की वैल्यू को ही प्रिंट कर सकते हैं बाहर। तो हमें बताना पड़ता है कौन सी कॉलम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैंने बोला कि पहला तो इम्प्लॉय कोड है, दूसरे को प्रिंट करना है तो एंटर द टू, एंड एग्जैक्ट मैच करने के लिए हमें फॉल्स सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में ट्रू इक्वल टू वन एंड जीरो इक्वल टू फॉल्स होता है। तो हमारा ये आ गया नहीं, अब मुझे हायर डेट के लिए फिर से वी लुकअप लगाना पड़ेगा क्योंकि तो एक बार में एक ही आ सकता है, तो उसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। बस यहां पे कॉलम नंबर 2 की जगह पे 3 हायर डेट का हो जाएगा, 3, 0। फिर सैलरी के लिए अगेन वी लुकअप लुकअप वैल्यू एंड C1 में जाएंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां पर जाएगा 1, 2, 3, 4 सैलरी के लिए 4 एंड वापस 0 या फिर फॉल्स। इसी तरह से आगे भी हम करते चले जाएंगे। ये तो जनरल सी बात हुई, और प्रतीक जी, संजीव जी और गौरव जी हो सकता है ये चीज आप जानते भी हैं, लेकिन बात होता है कि अगर मेरे पास इतने सारे कॉलम्स में लगाना है तो क्या बार बार इस तरह से वी लुकअप लगाना पड़ेगा? कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है, अल्टरनेट तरीका है। तरीका ये है कि जो आपके जितने भी कॉलम नंबर जो इसमें क्या सब चीज सेम है, सिर्फ कॉलम नंबर ही तो चेंज हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया है, सबसे ऊपर में कॉलम नंबर के लिए एक रो इंसर्ट करके अपना कॉलम नंबर यहाँ पे डाल दिया। फिर वापस मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल वी लुकअप, इसको सिलेक्ट किया और हम C1 में चले जाएंगे और यहाँ पे हम जो है मैनुअल ना लिख के ऊपर की जो वैल्यू है इसको सिलेक्ट करके कॉमा 0 करेंगे। अब इसको अब मुझे जो है इसको ड्रैग करना है, लेकिन क्या है कि जैसा आप जानते हैं कि जब भी हम ड्रैग करते हैं तो हमारा एड्रेस जो है सेल एड्रेस इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। जैसे मैंने कि इसको ड्रैग करूंगा
तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट तो आ रहा है लेकिन गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बी ए, यहाँ पे ए फोर होना चाहिए था, बी फोर हो गया, और यहाँ पे जैसे ए से आई होना चाहिए था, बी से जे हो गया, तो एक गलत रिजल्ट दे रहा है। तो सही रिजल्ट के लिए हमने इसको क्या करना है, डॉलर से फ्रीज करना है। एंड फिर इसको हम यहां पर ड्रैग कर देंगे, तब यहां पे ठीक है, या फिर एक हमारे पास कॉलन का फॉर्मूला होता है। कॉलन का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर मैं किसी का रेफरेंस लेता हूं तो सिर्फ कॉलम नंबर ही शो करता है। तो हमें यहां डालना 2 है और यहां ऑलरेडी कॉलम 2 दे ही रहा। तो मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को एज ए रेफरेंस लूंगा वी लुकअप के अंदर। तो इसको सिलेक्ट किया, वी लुकअप टेबल को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, यहाँ पे हम कॉलम सिलेक्ट करके शीट 2 में आएंगे एंड कॉमा 0 कॉमा कॉमा 0। सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा, हमें कॉलन यहां नहीं देना चाहिए, हमें देना था C1 में। ठीक है, अब आगे ड्रैग करने से पहले मैं इसको फ्री कर। तो कॉलन फॉर्मूला क्या होता है कि उसके अंदर जो भी रेफरेंस दोगे उसका कॉलम नंबर शो करता है, जिसका उपयोग हम अपने इस फॉर्मूले के अंदर में कर सकते हैं। ठीक है प्रतीक जी, समझ में आ रहा है चीजें आपको? अब इसमें बात आती है कि यहाँ पे देखिए ऊपर में भी हमें रेफरेंस के लिए रखना पड़ेगा, दूसरा इसमें भी कॉलम लगाएंगे तो डेटा स्टार्टिंग से होगा तभी फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। मतलब कि इसमें दो चीजें हैं, एक कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक दो कॉलम हेर फेर होता है, मतलब कि 5 यहाँ होगा 4 यहाँ पे, तो क्या करेंगे, तो मैनुअली देखना पड़ेगा या फिर दूसरा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। या फिर मुझे 2007 की बात याद आ गई, मैं कंपनी में इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे कुछ ऐसा पूछा गया था कि एक बार वीलुकअप लगाओ और इस 95 का रिकॉर्ड यहां से लेके यहां पे डालो एक बार। क्या क्वेश्चन था फिर से बताइए सर। ये हमें एक बार में वीलुकअप लगाना है और पूरा डेटा को लेके आना है। अच्छा हालांकि क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, क्योंकि ये तो स्प्रेडशीट अलाउ ही नहीं करेंगे ना कि एक वीलुकअप एक स्प्रेडशीट पे रिजल्ट देगा। लेकिन उनका कहने का मतलब था कि तो बार बार ड्रैगिंग करके और कॉलर नंबर चेंज करने से परेशान हो गए हैं, तो वो ऐसा चाहते हाँ हैं कि ड्रैगिंग का झंझट ना रहे, फ्रीजिंग का झंझट ना रहे, और हर सेल में अलग अलग फॉर्मा लगाने का झंझट ना रहे, एक ही बार में सब हो जाए। तो इसका मेरा दिमाग तुरंत चला एरे की तरफ। क्या है कि हम यहाँ मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है कि 1 2 3 4, तो मैं अलग अलग सेल पे लिख सकता हूँ या फिर एरे में जाऊंगा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखा है 1 2 3 सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो सेम मेथड अच्छा को मैंने यहां लगाया कि मैंने वी लुक पहले मैंने क्या किया सिलेक्शन कर लिया, ध्यान रखिएगा मैंने पूरा सिलेक्शन कर लिया है पूरा है। जहां तक हमें कॉपी पेस्ट करनी होती है वहां पर सिलेक्शन कर लिया, कॉलम नंबर को एक बार देख लिया कि किस फील्ड के लिए कौन सा कॉलम नंबर है, फिर वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, देखा तो है,
और कॉमा कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे डाला 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जरूरी नहीं कि सिक्वेंस भी हो, आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा फॉल्स या जीरो जो डालते हैं डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमें एंटर से प्रेस नहीं करना है क्योंकि एरे हमने डाला है, कर्ली ब्रैकेट लगाया है, मींस एरे डाला है। तो एरे को परफॉर्म करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो एक बार में इसने पूरा डेटा दे दिया, समझ गए? प्रतीक जी, संजय भगत जी या प्रतीक जी, समझ में आया? दुबारा बताओ। नहीं समझ में आ गया, आ गया मेरे को, सिर्फ वो बता दीजिए, फॉल्स वाले लास्ट वाला मैं पिकअप नहीं कर पा रहा हूँ, जो जीरो आप करते हैं ना वो वाले शायद मैं मिस कर गया था जब आप बोल रहे थे। इसलिए होता क्या है कि आपको एग्जैक्ट 15 मैच करना है या फिर 15 के आसपास भी चले जाओ, तो यहाँ ट्रू करते हो इट मीन्स 15 के आसपास वाला भी ले लेगा, और फॉल्स करते हो तो नहीं एग्जैक्ट 15 ही लेना। अच्छा, तो यहाँ पे हम जीरो इसलिए डालते हैं, मैंने आपको लॉजिकल फंक्शन से पढ़ाया था तो बताया था कि जीरो इक्वल टू फॉल्स एंड 1 इक्वल टू ट्रू। जी तो इस तरह से लगाते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर हो सकता है कि हमारे कॉलन चेंज हो तो क्या करेंगे? सर एक मिनट, लेकिन इसमें सेल आप C6 में जाएंगे तो C6 में भी आपका वी लुकअप, मतलब आपको सिर्फ एंटर नहीं करना पड़ता, ये अरे से मतलब अरे को जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेता है अगर एरे यूज करते हैं तो। इसका एक प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट जो कहो कि आप किसी एक को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, आपको मतलब पूरा डेटा, पूरा जो डेटा है वो पूरा ही लेना पड़ेगा, पूरा सीरीज ही लेना पड़ेगा। ओके तो हमें हर एंगल से चीजें सोचनी पड़ती है जब ऑटोमेशन करते हैं, क्योंकि जब हम मेबी भी पुटिंग करेंगे तो हमें इसी तरह से सोचना पड़ेगा हर चीज को, वरना हमारा काम तो ऊपर वाले फॉर्मूले भी चल रहा था। हमने थोड़ा सा डायनेमिक किया और थोड़ा सा डायनेमिक किया और थोड़ा सा डायनेमिक किया। अब बात यहां पर आती है कि मेरे क्वाड्रन जो है रो नंबर और कॉलम नंबर के साथ झमेला हम क्यों करें? हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली दोनों चलता है। मैंने बोला कि मैच सैलरी को सीट वन के हेडिंग वाले रो में मैच करो, वो भी एग्जैक्ट, ठीक है? इसने मैच किया और बताया कि चौथे नंबर कॉलम पे, मतलब आप यहां देखोगे कि सैलरी का चौथा नंबर कॉलम है। तो वी लुकअप लगाते समय हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा में चले जाएंगे और यहां पे हम मैच को कनेक्ट कर देंगे एंड कॉमा जीरो। मतलब जो मैच हमने यहां लगाया था इसी मैच को हम वी लुकअप के अंदर में डाल देंगे, तो हमारा कॉलम के तरफ से होने वाली जो परेशानी है वो परेशानी बिल्कुल खत्म, ठीक है? आगे ड्रैग करने से पहले हम कॉलम को अपने हिसाब से फ्रीज कर दीजिए। अब इसको ड्रैग कीजिए तो इसके ऊपर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। कल के डेट में अगर यहां पे नेम चेंज होता है, इसमें यहां पे लिख दिया फुल नेम, एंटर मारते ही अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, ये फुल्ली डायनेमिक हो गया। क्या प्रतीक जी? सर एक बार इसको और बताइए जरा। सिंपल है, हमने लगाया फॉर्मूला मैच का,
मैच फॉर्मूला क्या करता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरफ चलता है, पहली बात। दूसरी बात, उसने बताया कि फुल नेम जो है ये हमारे सीट वन के कॉलर, रो नंबर वन के किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है, देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। फोर यहाँ पे टू आ गया। अब मैं वी लुकअप को भी तो टू ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैनुअल टू ना करने की वजह से सेम मैच का फॉर्मूला कॉलम की जगह पे डाल दिया। ठीक अच्छा है प्रतीक जी, हाँ संदीप जी सॉरी, हाँ सही हाँ है जी। सर अब अगली बात बताते हैं, लेकिन एक सारी चीजें तब अप्लीकेबल होगा जब हमारा डेटा सीक्वेंस में होगा, मतलब कि एम्प्लॉय कोड यहाँ हम ढूंढ रहे हैं और डेटा में हमारा जो हमारा एम्प्लॉय को ढूंढ रहे हैं वो स्टार्टिंग होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है। अभी क्या है कि सीट फोर में क्या है कि मेरे पास जो एम्प्लॉय कोड है वो हमारा डी कॉलम में है, तो विथ वी लुकअप मैं इससे इसको तो लुकअप कर सकता हूं बट इसको लुकअप नहीं कर सकता। तो प्रतीक जी बताएंगे इसके लिए क्या करें हम? इंडेक्स मैच लेंगे ना। हाँ इंडेक्स मैच हम यूज करेंगे, चलिए बताते हैं। इसमें मैंने पहले बताया कि मैथमेटिक्स जो हमारा मैच का फॉर्मूला है वो क्या करता है कि वर्टिकल ऑर्बिटल दूर चलता है, तो ये ऐसे भी चलेगा और इसका रो इंडेक्स नंबर हमें दे देगा। ठीक है, तो गलत कर दिया हमने, मैच हमने 7 को इसके अंदर मैच किया यानी कॉमा 0 हमने एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये 8 नंबर रो के हिसाब से बताया कि 7 जो है 8वें नंबर सीक्वेंस में, ये रो नंबर नहीं काउंट करता है, ये यहां से करता है 1 2 3 4 5 6 7 8, समझे? ये रो नंबर नहीं दिखाता है, बहुत बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। और हमारे पास एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स के अंदर में हमें पूरा डेटाबेस को सिलेक्ट करना, फिर हम जो रो नंबर डालेंगे, जो रो नंबर कौन सा 8 है और जो कॉलम नंबर डालेंगे कौन सा 1 है, उसका डेटा शो कर देंगे। तो इंडेक्स को क्या चाहिए, रो नंबर चाहिए, कॉलम नंबर चाहिए, और रो नंबर हमें पता नहीं है, तो मैच क्या करेगा कि इस एम्प्लॉय कोड के अकॉर्डिंग रो नंबर को ढूंढेगा। तो मैच और इंडेक्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारा वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट दोनों चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रतीक जी चलिए, आपने बताया कि मैच इंडेक्स करते हैं, आपको पता था। अब एक चीज बताइए कि इंडेक्स को तो पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, इन फ्यूचर में मेरा डेटा इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, बार बार फॉर्मूले को इंक्रीज डिक्रीज करेंगे या कोई और सोल्यूशन निकालेंगे? आप डायनामिक रेंज डिफाइन कर सकते हैं इंडेक्स में। डायनामिक नेम डिफाइन करना तो एक लंबा वे हो जाएगा, तो सॉरी मतलब डायनामिक रेंज डिफाइन करना तो एक लंबा तरीका हो जाएगा। हाँ मतलब आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने इंडेक्स का फॉर्मा लगाया, इसमें मैंने A1 से A10 सेलेक्ट किया, A1 से I10, I10 ठीक है, कल के डेट में हो राइट सकता है कि हाँ आई के जगह पे एम तक डेटा हो जाए या 10 के जगह पे 100 तक हो, तो हर बार यहां इसको चेंज करेंगे। ओके तो उसमें अगर आप चाहो तो अरे यूज कर सकते हो। लेकिन रेंज बार तो देना पड़ेगा ना, रेंज जो है वो तो देना ही पड़ेगा ना, एरे हो चाहे कुछ भी हो, रेंज को देना ही पड़ेगा ना। अब यही पे प्रॉब्लम होती है प्रतीक जी, मैं कल रात में आपसे डिस्कस कर रहा था कि हर चीज को कई सारे एंगल से देखना होता है, हमें ऑटोमेशन करते समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो फिर हमारा जो वर्क है वो नहीं करेगा। जैसे कि मेरे सामने है कि अगर हमारा डायनेमिक हुआ, मतलब रेंज हमारा इंक्रीज डिक्रीज होता रहा, तो हमारा ये फॉर्मूला डायनेमिक नहीं है,
इंडेक्स पूरा एरिया लेता है। अगर हम डिफॉल्ट अगर मान लो कि पूरा रेंज दे देते हैं और ये फॉर्मूला बहुत बार लगा है, बहुत जगहों पर लगा है, तो आपका फाइल की परफॉर्मेंस को स्लो करेगा। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है ऑफसेट, एक ऑफसेट नाम का ये फॉर्मूला है, वो कि सेम काम करता है, बट इसमें हमें स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सिलेक्ट करना होता है। क्या आपने स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, रो को सिलेक्ट कीजिए एंड कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, अब ऑफसेट की एक छोटी सी कमजोरी है, कमजोरी ये है कि वो हमेशा जीरो से काउंटिंग स्टार्ट करता है। मतलब मैंने 8 दिया तो एक काउंट करेगा कि यहां से 0 1 2, मतलब कि ये इंडेक्स का 8 ऑफसेट का 9 बन जाएगा, इसलिए -1 किया करें। ठीक है प्रतीक जी, समझ में आया? हाँ, मुझे पता है ऑफसेट ही है। हाँ, तो यहां पे हम ऑफसेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑफसेट को सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है। यहां से ये 0 रो एंड 8 कॉलम को काउंट करके डेटा को शो करेगा। ठीक है, हाँ तो भगत जी, गौरव जी एंड संजीव जी, आप लोगों को समझ में आया है? हाँ नहीं? सर, हाँ सर, समझ में आया। नहीं, समझ में आया। एक चीज पूछना था कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, यूज मैं कहाँ पे आपको ज्यादा होगा। बताया ना, आपको जब बी लुकअप मान लो आपको लगाना हो और यूनिक कोड जो आपका है वो बीच में कहीं हो, तो यूनिक कोड जहां होगा उससे लेफ्ट की तरफ की सारी वैल्यू तो बी लुकअप उठा देगा, राइट की वैल्यू कैसे लेके आओगे? अच्छा, उसके लिए उसके यूज लिए करते हैं। आप खाए तो इंडेक्स मैथ यूज करो या ऑफसेट मैथ यूज करो। इंडेक्स मैथ यूज अच्छा, करोगे तो एरिया देना पड़ेगा, एरिया फिक्स है तो इसको दे दो, लेकिन एरिया इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो ऑफसेट दो। ठीक है, इसको हम लोग अपने अपनी भाषा में उल्टा भी लुकअप भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं किसी ने पूछ दिया कि उल्टा भी लुकअप क्या होता है तो समझ जाइए कि यही होता है। अब बात करते हैं एच लुकअप की। अब वी लुकअप पढ़ रहे हैं तो एच लुकअप पढ़ना भी बनता है। एच लुकअप कब यूज होता है? देखिए, वी लुकअप के लिए डेटा हमारा वर्टिकल है, ठीक है, रो वाइज डेटा है, लेकिन एच लुकअप में क्या हुआ कि हमारे पास डेटा कॉलम वाइज है। इस तरह से डेटा जो है कॉलम वाइज, तो वी लुकअप तो इसमें ढूंढेगा ना, लेकिन हमें जो इंप्लॉय को ढूंढवाना है इसमें ढूंढवाना है। तो यहां पे खाए तो मैच इंडेक्स, मैच ऑफसेट या एच लुकअप लगा सकते हैं। तो एच लुकअप कैसे लगाएंगे? इक्वल एच लुकअप लुकअप वैल्यू, और फिर अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। बस वी लुकअप जैसे कि वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं, एच लुकअप वो जल्दी करेगा। एंड यहाँ पे वी लुकअप में हम लोग कॉलम डालते हैं, इसमें रो डालना पड़ेगा कि सैलरी का रो नंबर क्या है, 4 है, तो 4, एंड यहाँ भी आपको ट्रू फॉल्स डालना पड़ेगा, 0 1 डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एच लुकअप तो करेगा ही करेगा, साथ में हम मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मैच लगाएंगे और मैच के बोलेंगे इसका कॉलम नंबर क्या है, ढूंढ के दिखाओ। तो बोला कि 11वां नंबर कॉलम है। फिर मैंने यहां पे इंडेक्स लगाया और इंडेक्स में हमने डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, हमने बोला एक की 4 नंबर रो एंड 11 नंबर कॉलम, डेटा आ गया। या फिर हम यहां ऑफसेट लगाएंगे और ऑफसेट में स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि 3 नंबर कॉलन एंड 11 माइनस 1, 3 नंबर रो एंड 11 माइनस 1 कॉलन, तो यहां भी यूज कर सकते हो। तो मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच जो है वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला है, वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है और लेफ्ट टू राइट दोनों चलता है। समझ गए? हाँ
अभी मैं बार बार ट्रू एंड फॉल्स का जिक्र कर रहा हूँ, तो ट्रू एंड फॉल्स का क्या यूज होगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं पहले। इसका एग्जांपल है कि मेरे पास याद होगा कि मैंने जब इफ फॉर्मूला बनाया था तो हमने यहाँ पे इंसेंटिव के लिए एक इस तरह का चीजें किया था, स्लैब इंसेंटिव के लिए हमने नेस्टेड इफ लगाया था। तो अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें, 0 to 40 है तो 0, 41, 61, 81 स्टार्टिंग यहाँ पर लिखे और इसके सामने वैल्यू डाल दें तो वाया वीलुकअप भी इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं इक्वल वीलुकअप, हमने इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा टेबल एरे टेबल सॉरी इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा टेबल को सिलेक्ट कीजिए एंड कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 डाल दीजिए। अब यहाँ पे अगर मैंने 0 डाल दिया मतलब कि फॉल्स डाल दिया तो रिजल्ट तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 डाला मतलब कि 1 डाला तो रिजल्ट हमारा 1000 आएगा। ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि 47 किन के बीच में है, इनके बीच में है तो इस वैल्यू को शो कर देगा। तो ग्रुप लुकिंग करता है, कौन सा वी लुकअप का जीरो का कंसेप्ट, ठीक है प्रतीक जी? हाँ ओके, और किसी को डाउट इसमें? लेकिन एक और फॉर्मूला है लुकअप का, लुकअप का फॉर्मूला भी इसी तरह का परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसमें अलग अलग सेलेक्ट करना होता है, लुकअप वेक्टर एंड रिजल्ट वेक्टर। लेकिन लुकअप का एक फायदा है कि हम अपने डेटा को इसी के अंदर डाल सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप यहां डाल दीजिए कि 0, 41, 60, 61, 81, 101, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, अगेन कॉमा दीजिए और फिर यहां पे 500, 1000, 1500, 2000 एंड 5000, ठीक है तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। ये तो बात थी, अब चलिए ये तो कंसेप्ट था, अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों पे, मतलब कि हम बात करते हैं कुछ ट्रिक्स पे। ट्रिक्स जैसे कि मुझे अगर 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालना है तो कैसे निकालें, मतलब कि मुझे यहां पे फाइनेंस जो कि पटना में है उसकी सैलरी निकालना है, बट वी लुकअप किसी भी कंडीशन में 2 सेल की वैल्यू, 2 मतलब कि 2 कंडीशंस को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग क्या करते थे कि एक रो इंसर्ट करते थे स्टार्टिंग में और यहां पे हम दोनों फील्ड को आपस में ज्वाइन करके एक यूनिक आईडी बना लेते थे हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, यूनिक आईडी बन गया। अब नीचे की तरफ इसको हम ड्रैग करते हैं, अब वी लुकअप जहां लगाएंगे वहां भी सेम मेथड को लुकअप वैल्यू में अप्लाएंगे कि हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने कॉनकेटेनेट जो है लगाया किसके साथ, सिटी के साथ, और हम लुकअप यहां से करते हैं। तो ये चौथे नंबर पे है तो यहां पे कॉमा 4, 0, ठीक है प्रतीक जी? अब यहां पे एक दिक्कत आया कि कहीं पे न्यू दिल्ली है कहीं पे दिल्ली है, तो मान लीजिए मुझे अगर वी लुकअप लगाना है, मुझे इसका ओवर टाइम देखना है, मुझे तो अगर मैं दिल्ली करता हूं तो यहां देखिए क्या होगा, वी लुकअप इसको सेलेक्ट किया हमने यहां एंड कॉमा 2, 0, तो इसमें क्या हुआ कि दिल्ली का दिखाया, यहां पे देखिए ये 60 आना चाहिए ना, 60 नहीं आया, ये देखिए 700 इसको आया। लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल्ली हो चाहे न्यू दिल्ली हो,
कंट्रोल एफ वर्क करता है ना, ऐसे वर्क करता है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मुझे अपने टेक्स्ट के दोनों तरफ स्टार लगाना। अब दृष्टि आ गया, अब न्यू दिल्ली को मैच कर रहा है। तो दोनों तरफ स्टार लगा दिया, इट मींस ये कंटेन हो गया, कंटेनिंग हो गया कि दिल्ली चाहे आगे हो चाहे पीछे हो चाहे बीच में कहीं भी दिल्ली होना चाहिए तो लुकअप कर देगा। उसके बाद अगर मैंने यहां पे स्टार लगाया और फिर दिल्ली लगाया तो क्या होगा, क्यों हो जाएगा कि एंड विद दिल्ली, कि दिल्ली सबसे लास्ट में होना चाहिए, पहले होने से मतलब नहीं है, लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे दिल्ली रोड, तो दिल्ली रोड को लुकअप नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने स्टार को लास्ट में लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि टीम दिल्ली स्टार्टिंग में होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे कुछ कोड्स होते हैं, एक दो बिंदर कोड होते हैं, कोड हर बार अलग अलग होता है, मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि मेरा 3 डिजिट होता है, तो मुझे इसमें से मैच करना है कि 3 डिजिट वाला कौन सा है, उसकी उसके सामने वाली 6 डेज दिखा दे या जो भी डेटा है वो दिखा दे। तो उसके लिए 3 टाइम क्वेश्चन मार्क डालें और वी लुकअप लगाएं। इसको सिलेक्ट किया, और हमने डेटा को सिलेक्ट किया कॉमा जीरो, तो 1.2 होगा ना, 2.0, ठीक है। तो प्रतीक जी, समझ में आया चीज आपको? हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आया। तो इसका यूज करते हैं, और इस सेम कंसेप्ट का यूज जो है ना हम सिंपल सर्वर में करते हैं, और हम क्या बोलते हैं फिल्टर, फिल्टर एंड वीवीए के अंदर जो भी फिल्ट्रेशन एंड मैचिंग होता है उसमें, ठीक है, इसको लाइक लाइक बोलते हैं, लाइक स्टेटस। क्लियर है? तो वी लुकअप का पार्ट 1 मैंने खत्म किया है। कल एक और क्लास वी लुकअप पे लूंगा जिसमें मैं बताऊंगा मल्टी शीट वी लुकअप, कई सारे शीट में डेटा हो तो लुकअप कैसे करेंगे, दैट कॉल्ड मल्टी शीट लुकअप। उसके बाद मुझे जहां एक रेंज लुकअप भी सिखाऊंगा इसमें, कि अगर एक रेंज को लुकअप करना है तो कैसे करेंगे, और दूसरा मैं बताऊंगा वी लुकअप लिस्टिंग। तो कल 2-3 टॉपिक्स हम आपके साथ कंसिडर करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूं ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें, और रिकॉर्डिंग मैं अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, अभी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा ताकि आप देख लीजिएगा, क्योंकि प्रतीक जी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको ड्राइव एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं अभी यूट्यूब पे डाल देता हूँ, लिंक भेज दीजिए सर, और लिंक भेज दीजिए, चल जाइए अपनी वेबसाइट iptindia.com में वीडियो सेक्शन में क्लिक कीजिए ना, सबसे पहला वीडियो वही आएगा, ठीक है। मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके सर, थैंक यू, ओके ओके बाय।